देवदास, मोहब्बते, जोश जैसी फिल्मों में साथ काम करने वाले बॉलीवुड के टॉप दोस्त ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। इसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म साथ नहीं की। हाल ही में वे ए दिल है मुश्किल में साथ दिखे थे। इसके बाद वो वोक की एक पार्टी में पोज करते नजर आए, जिसने सभी का ध्यान खींचा और सबको लगा कि अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। लेकिन ऐश्वर्या ने ए दिल है मुश्किल के बाद भी शाहरुख खान के साथ 3 फिल्में रिजेक्ट कर दी है। ऐश्वर्या ने शाहरुख को माफ तो कर दिया है, लेकिन वे कुछ भूली नहीं है। ऐसा ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो चीजें कभी नहीं भूलती हैं, भले ही गलती करने वाले को माफ कर दें। लगता है ऐश्वर्या ने शाहरुख को माफ कर दिया है, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगी कि एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद शाहरुख ने उनके साथ गलत किया। शाहरुख ने दोस्त होने के बावजूद उनका साथ नहीं दिया और तो और उनके करियर के साथ खिलवाड़ भी किया। दरअसल सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बाद से बॉलीवुड के कई रिश्ते भी बिगड़ गए। शाहरुख ने उसके बाद ऐश्वर्या के साथ काम करना बंद तो कर ही दिया, साथ ही साथ उन्हें कई फिल्मों से रिप्लेस भी करवा दिया था। हालांकि कुछ सालों पहले एक पार्टी में शाहरुख ऐश्वर्या मिले और शाहरुख ने खुद उन्हें पुरानी गलतियों के लिए सॉरी कहा, और अब फिल्म में साथ काम करने के बाद वो की पार्टी में भी साथ पोज देना बता रहा है कि पुरानी दोस्ती फिर साथ होने को तैयार है।